Good morning. I am Pallavi Sharma. I am a certified occupational therapist and a special educator. आज हम cerebral palsy के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे. Cerebral palsy एक congenital disorder है जो बच्चे के muscle tone और posture को affect करता है. इसके causes prenatal, natal या postnatal हो सकते हैं. Prenatal का मतलब जब बच्चा mother की womb में है तो अगर मदर को कोई हाई फीवर या मेनिनजाइटिस जैसी बीमारी होती है तो बच्चे को वो इफ़ेक्ट कर सकती है. नेटल कॉजेज जो सबसे कॉमन कॉज है, बच्चे को ऑक्सीजन की कमी, जब वो बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिस कारण सेरेब्रल पॉल्सी हो सकता है. और बहुत कारण है जो आफ्टर बर्थ होते हैं जिसको हम पोस्ट नेटल बोलते हैं. बच्चा गिर गया, उसके सर में चोट लग गया, तभी ये सेरेब्रल पॉल्सी की बीमारी हो सकती है. सेरेब्रल पॉल्सी बीमारी क्योरेबल नहीं है. हम ये नहीं कह सकते कि उम्र के साथ ठीक हो जाएगी, क्योंकि जो ब्रेन को डैमेज हो गया है, ब्रेन के मोटर कॉर्टेक्स या सेरेब्रम में जो डैमेज है वो एक परमानेंट डैमेज होता है. तो जो बीमारी बर्थ के समय हो गई है वो हमेशा रहेगी बच्चे के साथ. सो जो मेन इसके आप सिम्टम्स देखते हैं, इसमें आप क्या देखेंगे, या तो बच्चे की बहुत रिजिडिटी होती है, बहुत टाइटनेस देखी जाती है, टोन मसल, बच्चे का हाथ या पैर बहुत टाइट होता है, जो कॉमन हम साइंस देखते हैं, या बच्चे की टोन बहुत ही, मसल टोन बहुत ही फ्लॉपी लूज होती है, बच्चा ठीक तरह खड़ा ही नहीं हो पाता है या हेड कंट्रोल नहीं आ पाता है. कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत ही एग्जैजरेटेड मूवमेंट्स रिफ्लेक्सेस हैं, सडनली एक जर्की मूवमेंट हो गया बच्चे का, या इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चे में. तो ये इसके मेन जो हम सिम्टम्स देखने में, जो हमें देखने में नज़र आते हैं. अब टाइप्स की अगर बात करी जाए तो मेन 5 टाइप की सेरेब्रल पॉल्सी होती है. जो सबसे कॉमन है वो स्पास्टिक सीपी जिसको बोला जाता है, वो 77% बच्चों में देखी जाती है. जबकि ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, लेकिन इसको ट्रीट करना सबसे ईजी भी है. इसमें बच्चे की मसल बहुत टाइट या रिजिड होती हैं, तो बच्चे को कॉन्ट्रैक्चर्स हो जाते हैं, टाइटनेस देखी जाती है, उसके हैमस्ट्रिंग्स या उसके आर्म्स में कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं. दूसरा होता है एथेटॉइड. एथेटॉइड मतलब होता है फ्लक्चुएटिंग टोन, या तो बच्चे का बहुत ही लूज टोन रहेगा या बहुत ही टाइट. तो इससे बच्चे का चलने में बच्चे को प्रॉब्लम आ सकती है, जर्की मूवमेंट्स हो सकते हैं. जो नेक्स्ट टाइप है अटैक्सिया, जिसमें बच्चे के बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आती है. इसमें बच्चा ट्रेमर्स दिखता है, स्पीच प्रॉब्लम रहता है, उसको बोलने में बहुत डिफ़िकल्टी रहता है. हमारा चौथा टाइप है हाइपोटोनिक, जिसमें हम फ्लॉपी मसल्स देखते हैं. आपने देखा होगा फ्लॉपी बच्चा जिसको बोला जाता है, जिसे मसल टोन है ही नहीं बच्चे का, वो खड़ा नहीं हो पाता है, उसके माइलस्टोन सारे डिलेड हो जाते हैं, बच्चे का हेड कंट्रोल टाइम पे नहीं आता है, बच्चा चलना टाइम पे नहीं सीखता है, सिटिंग पोजीशन पे टाइम पे नहीं आता है. तो ये कॉमन कारण है. एक होता है मिक्स्ड, जिसमें हम 2-3 चीज़ें मिक्स देखते हैं. जनरली स्पास्टिक सीपी और हाइपोटोनिया तो साथ में मिक्स नहीं होता है कि टाइटनेस और वो नहीं, लेकिन एथेटॉइड अटैक्सिया मिक्स हो सकता है सेरेब्रल पॉल्सी के साथ. एक क्लासिफिकेशन ये होती है, और दूसरी क्लासिफिकेशन होती है जहाँ कितने लिम्ब्स इन्वॉल्व है, कितने बच्चे का पार्ट इन्वॉल्व है, उस हिसाब से सेरेब्रल पॉल्सी डिवाइड किया जाता है. जैसे कि डायप्लेजिया, डायप्लेजिया मतलब 2 पार्ट इन्वॉल्व है, ज़्यादातर लोअर लिम्ब इन्वॉल्व होता है. हेमिप्लेजिया मतलब 1 साइड ऑफ द बॉडी बच्चे की इन्वॉल्व है. और मिक्स्ड हेमिप्लेजिया में क्या होता है, दोनों साइड इन्वॉल्व है, लेकिन एक साइड दूसरी साइड से ज़्यादा इन्वॉल्व है. फॉर एग्ज़ाम्पल राइट लेग और राइट आर्म ज़्यादा इफेक्टेड है. ऐसे ही हम देख सकते हैं ट्राइप्लेजिया, जिसमें 3 लिम्ब्स बच्चों के इन्वॉल्व हैं, मे बी दोनों आर्म और एक पैर इन्वॉल्व है बच्चे का. और लास्ट टाइप होता है क्वाड्रीप्लेजिया, जहाँ बच्चे का चारों लिम्ब्स इन्वॉल्व होता है, जहाँ बच्चे का चलना, सिटिंग, उसका जरूरी जो डेली एक्टिविटीज़ है वो भी बच्चा नहीं कर पाता है. ऐसे बच्चे जनरली बेड पर होते हैं, उनके हमेशा शेल्टर्ड लिविंग दिया जाता है उनको. उनको हर काम के लिए, अपनी डेली नीड्स पूरी करने के लिए किसी ना किसी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी. तो ये मेन है हमारा सेरेब्रल पॉल्सी के बारे में एक छोटी सी जानकारी है. अगर आपको सेरेब्रल पॉल्सी के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप इनामदार हॉस्पिटल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर भी कॉल कर पता कर सकते हैं. धन्यवाद.